मेरी तरफ से तमाम अज़ीज़ नाज़रीन को ट्रैवल गाइड की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो इंतहाई खूबसूरत और तकरीबन 1200 के करीब जजीरों से बना हुआ एक मुल्क है जिसका नाम मालदीप है। ये मुल्क दुनिया का सबसे छोटा इस्लामी मुल्क है। मालदीप ने 26 जुलाई 1965 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की और उसके थोड़े ही अरसे बाद 1968 में मालदीप एक जमहूरी मुल्क बन गया। मालदीप का पूरा नाम जमहूरिया मालदीप है। बेशक मालदीप एक छोटा सा मुल्क है लेकिन पूरी दुनिया में मालदीप अपनी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है। मालदीप का कुल रकबा तकरीबन 300 मरबा किलोमीटर है और रकबे के अतबार से मालदीप का रैंक दुनिया में 188वें नंबर पर आता है। मालदीप की कुल आबादी 3,92,000 के लगभग है और आबादी के लिहाज से मालदीप पूरी दुनिया में 173वें दर्जे पर आने वाला एक छोटा सा मुल्क है। एशिया का सबसे छोटा मुल्क भी मालदीप ही है। मालदीप एक ऐसा मुल्क है जिसको हर वक्त सुनामी से डूबने का खतरा लाख है क्योंकि मालदीप समुंदर की सतह से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचा है। अगर कभी भी सुनामी आता है तो मालदीप ही वो मुल्क है जो सबसे पहले सुनामी का शिकार होगा। दुख की बात यह भी है कि ग्लोबल वार्मिंग मालदीप के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। मालदीप का दारुल हुकूमत माले है और मालदीप का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी माले के पास है। मालदीप की ज्यादातर आबादी इसी शहर में आबाद है। मालदीप के पास एक एजाज ये भी है कि दुनिया की पहली अंडर वाटर मीटिंग मालदीप में ही हुई। मालदीप की खूबसूरती की वजह से मालदीप में हर साल लाखों लोग मालदीप की सैर करने को आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में तकरीबन 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मालदीप की सैर करने को आते हैं। सियाहों के आने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मालदीप ही वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सियाहत के हवाले से सबसे सेफ समझा जाता है। मालदीप अपनी कुल आमदनी का तकरीबन 30% हिस्सा टूरिज्म से ही कमाता है। मालदीप की एक और खास बात यह भी है कि कई सारे होटल्स ऐसे भी हैं मालदीप में जो अंडर वाटर बनाए गए हैं। आप इन होटल्स में खाना खाते हुए समुंदर का मजा भी ले सकते हैं। ग्लास से ढके हुए इन होटल्स में जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समुंदर की तह में पहुंच गए हैं और आपके आसपास मछलियां तैर रही हैं। ये नज़ारा बहुत ही कमाल का है और टूरिस्ट इस नज़ारे को देखकर बहुत इंजॉय भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी आपका पैशन है तो आप मालदीप में अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ आपको हजारों किस्म की मछलियाँ देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हों। मालदीप में वैसे तो काफ़ी जजीरे हैं लेकिन मालदीप का एक जजीरा ऐसा भी है जो बाकी तमाम जजीरों से मुनफरिद है। इस जजीरे का नाम फोडो है। इस जजीरे के एक बीच जिसका नाम ग्लोवे है उसकी खास और अनोखी बात यह है कि आप रात के वक्त पानी के साथ कुछ भी हलचल करेंगे तो ये पानी नीले कलर की रोशनियां पैदा करना शुरू कर देगा। इस नजारे की ये मुनफरिद खासियत देखने के लिए हजारों लोग इस जजीरे का रुख करते हैं। मालदीप में करीब 12 एयरपोर्ट्स हैं जिसमें 4 एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 8 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो फौज और लोकल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मालदीप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माले में है जिसका नाम विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से मालदीप में शराब पीना आराम है। सिर्फ जजीरों पर मौजूद कुछ होटलों को ही शराब रखने की इजाजत है। रमजान के महीने में दिन के टाइम सियाहों को पब्लिक के सामने कुछ खाने पीने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती। अलबत्ता वो अपने होटलों में जाकर खा भी सकते हैं मगर दिन के टाइम पब्लिक के सामने खाने पीने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया जाता है। मालदीप का निज़ाम हुकूमत सदारती पार्लिमानी है। मालदीप के क्याम के बाद से लेकर अब तक मालदीप पर सिर्फ 5 लोगों ने ही हुकूमत की। 11 नवंबर 1978 को सदर मुंतखब होने वाले मोमून अब्दुल कयूम को 6 बार लगातार मालदीप का सदर बनने का एजाज भी हासिल है जो 2008 तक मालदीप के सदर रहे। मालदीप में मौजूदा सदर का नाम अब्दुल्ला यामीन है जो पिछले 7 साल से सदर के ओहदे पर फाइज हैं। अगर मालदीप के मौसम की बात की जाए तो मालदीप काफी गर्म मुल्क है जिसमें पूरे साल सिर्फ 2 ही किस्म के मौसम पाए जाते हैं जिसमें मौसम गर्मा और बरसात का मौसम शामिल है। मालदीप में वॉलीबॉल को सबसे ज्यादा खेला और पसंद किया जाता है।
बीचेस में वॉलीबॉल खेलना मालदीव में सबसे ज़्यादा मकबूल है। नारियल का दरख्त मालदीव का कौमी दरख्त है। पिंक रोज मालदीव का कौमी फूल है। व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन मालदीव का कौमी परिंदा है। येलो फिन टूना मछली मालदीव का कौमी जानवर है। और इसके साथ साथ ब्रोदिया डिश को भी मालदीव की कौमी डिश माना जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको मालदीव की ये सैर अच्छी लगी होगी। आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।